देश में पत्रकारिता का स्तर इतना गिर चुका है कि देश के तथाकथित वरिष्ठ पत्रकारों को भी खबरों की सच्चाई दिखाने में असहजता महसूस होती है। दिल्ली के चांदनी चौक में मंदिर तोड़े जाने वाली घटना पर भी हमें इन पत्रकारों का ऐसा ही रुख देखने को मिला। अक्सर मॉब लिंचिंग पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये पत्रकार चांदनी चौक की इस घटना पर नदारद दिखे। हालांकि आज भी देश में कुछ ऐसे पत्रकार बचे हैं जो घटनाओं और खबरों को सत्यता के साथ प्रकाशित करने में विश्वास रखते हैं। जी न्यूज के वरिष्ठ संपादक सुधीर चौधरी और एबीपी न्यूज की वरिष्ठ पत्रकार रुबिका लियाकत भी ऐसे ही पत्रकारों में से एक है। जब सेकुलर गैंग के पत्रकार स्कूटर विवाद की आड़ में मंदिर तोड़े जाने वाली घटना का बचाव करने की कोशिश करने में जुटे थे, तब इन पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता से इस गैंग के एजेंडे की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। सुधीर चौधरी ने अपने प्रतिष्ठित कार्यक्रम डीएनए में जहां एक तरफ इस सेकुलर गैंग के दोहरे मापदंडों का खुलासा किया, तो वहीं उन्होंने इस घटना के हर पहलू को बड़ी बारीकी से सभी के सामने रखा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, पुराने दिल्ली में पार्किंग के विवाद में मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने मंदिर पर पत्थरबाजी की और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है और पकड़े गए सभी लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। गौर किया जाए तो मंदिर में तोड़फोड़ की जाने वाली घटना के इसी पहलू को छिपाने के लिए देश का यह सेकुलर गैंग पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहा था, लेकिन सुधीर चौधरी ने अपनी एक रिपोर्ट से इन पत्रकारों के एजेंडे पर पानी फेर दिया। सुधीर चौधरी की तरह ही पत्रकार रुबिका लियाकत ने भी इन पाखंडी पत्रकारों पर अपने ट्वीट के माध्यम से निशाना साधा और उन्होंने इन पत्रकारों को आड़े हाथों लिया जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाने पर चुप्पी साध देते हैं, लेकिन मुस्लिमों के खिलाफ उस छोटी सी घटना पर भी उनके द्वारा डरा हुआ मुसलमान के नाम पर बड़े बड़े लेख लिखे जाते हैं और कैंडल मार्च निकाल कर देश में बढ़ती असहिष्णुता का ढिंढोरा पीटा जाता है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि हिंदुस्तान का कोई मुसलमान डरा हुआ नहीं है। हर बात पर विक्टिम कार्ड खेलकर अपनी राजनीति की दुकान चलाने वालों को अब हिंदुस्तान खतरे में नहीं दिखेगा। अगर देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा कुछ दूसरी तरफ से हो जाता तो अब तक तो मार्च निकल जाते, मोमबत्तियां जलती। सुधीर चौधरी और रुबिका लियाकत समय समय पर अपनी सच्ची, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का उदाहरण देते रहे हैं। वे सुधीर चौधरी ही थे जिन्होंने जेएनयू में विषैला एजेंडा फैला रहे टुकड़े टुकड़े गैंग को एक्सपोज किया था। तब उन्होंने आतंकी अफजल गुरु का महिमा मंडन कर रहे जेएनयू गैंग के सदस्यों की सच्चाई को सभी के सामने रखा था। सुधीर चौधरी ने कठुआ रेप केस में भी अपनी खोजी पत्रकारिता के माध्यम से जम्मू कश्मीर की चार्जशीट में मुख्य आरोपी बनाए गए विशाल जंगोत्रा को निर्दोष साबित किया था। बाद में जब कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया था तो कोर्ट ने भी विशाल जंगोत्रा को निर्दोष सिद्ध किया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तब भी जी न्यूज की इस खोजी पत्रकारिता की सराहना की थी। इसके अलावा सुधीर चौधरी कैराना और मालदा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी अपनी सच्ची और तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग का उदाहरण दे चुके हैं। आज के समय में ऐसी स्पष्ट और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए सुधीर चौधरी और रुबिका लियाकत की सराहना की जानी चाहिए। इसके साथ ही स्वघोषित निष्पक्ष पत्रकारों को सुधीर चौधरी और रुबिका लियाकत से कुछ सीखना जरूर चाहिए। यही नहीं, अब सेकुलर गैंग को हर मामले में धार्मिक एंगल खोजकर अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की आदत को भी छोड़ देना चाहिए और वो सच निष्पक्षता के साथ दिखाना चाहिए जो सभी के साथ न्याय करता हो।